तो दोस्तों, आप सबको मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे चाय और कॉफ़ी की, जो कि हमारा रोज का मामला होता है। रोज हम लोग सुबह या शाम दिन भर पीते रहते हैं चाय या फिर कॉफ़ी। तो फिर हम लोग बातें करेंगे क्या क्या न्यूट्रिशनल फैक्ट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होते हैं, क्यों नहीं पीना चाहिए। तो इस तरह के कुछ बातें करेंगे, कुछ पॉजिटिव बातें करेंगे, कुछ नेगेटिव बातें करेंगे कॉफ़ी और टी के लेकर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शराब के बाद कौन करेगा? 63 साल है। तो इंडिया में चाय ही ज़्यादा चलता है, आप लोगों को पता है। मतलब ये मान के चलिए, अगर भगवान भी आपके घर पे पधारती है तो आप उनको चाय ही पिलाएंगे, कॉफ़ी नहीं पिलाएंगे। तो समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो बाहर की कंट्री में कॉफ़ी ज़्यादा चलता है, इंडिया में चाय इसलिए ज़्यादा चलता है मेरे ओपिनियन के मुताबिक। कॉफ़ी के मुकाबले ये चीपर है, प्रोडक्शन उसका ज़्यादा है और अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होता है। पर्सनल फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, तो जो भी मैं बातें करूँगा तो मैं ग्रीन टी या फिर ब्लैक टी को लेकर ही करूँगा। क्या आपको पता है चाय में एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं कॉफ़ी के मुकाबले? एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है शरीर के लिए, यह सब तो आपको पता ही होगा। एंटी एजिंग करता है, के लिए अच्छा होता है, एजिंग को रुकता है। टी में कॉफ़ी के मुकाबले कम कैफीन होता है। क्या है? और शराब के बाद कौन करेगा? 8 साल है। क्या आपको पता है टी एक कैलोरी फ्री ब्रेज है? ये मान के चलिए जिनके रगों में खून के वजह सिवाय चाय दौड़ रहा है उनके लिए तो प्लस ही प्लस है भाई। चाय जो भी रोज पीते हैं उनको हार्ट अटैक का चांसेस कम रहता है। और ये भी बताता है कि आपकी जो बोन्स की डेंसिटी है वो भी बढ़ता है चाय। और एक मेन बात, चाय रोज़ाना पीते हैं उनकी चाय पीने पर आपकी माउथ की पीएच वो डिक्रीज हो जाती है। चाय आपकी माउथ का पीएच डिक्रीज कर देता है, आपके जो कैविटी फॉर्मेशन होती है वो टीथ वगैरह में जो प्लग वगैरह फॉर्मेशन होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। ज़्यादा टी पियेंगे तो आपके टीथ का ब्राइटनेस बढ़ेगा। हट सबको पता ही होगा कि ग्रीन टी लेस प्रोसेस्ड है। हालांकि हम लोग जो भी चाय पी रहे हैं, जो डस्ट चाय या फिर लोब्यूल वाला चाय हम लोग जो पी रहे हैं वो मोर प्रोसेस्ड है, तो इसमें कम एंटीऑक्सीडेंट और न्यूट्रिशनल चीज़ें जो भी हैं वो सारे कम ही है। चाय में सोडियम पोटेशियम भी होता है, ग्रीन टी में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि ग्रीन टी लेस प्रोसेस्ड है इसीलिए जो भी रिसर्च किया हुआ है वो ग्रीन टी के ऊपर ही किया हुआ है। क्या आपको पता है ग्रीन टी में कंपाउंड्स होते हैं लाइक पॉलीफिनोल्स, बोनिक एसिड, जो कि आपके सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं और रिसर्च इन्हीं को लेकर ज़्यादातर होते रहते हैं। क्या आपको पता है चाय पीने पर आपकी इम्यूनो सिस्टम इंक्रीज करता है और आपके हार्ट अटैक जो भी चांसेस है वो घट जाता है? कई रिसर्च ये भी बताते हैं कि कैंसर को बैटल करने के लिए चाय एक बहुत ही बढ़िया साधन होते हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत सर्च करेंगे तो आपको हर्बल टी के बारे में भी पता चल जाएगा और ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया है। जैसे पहले बताया हुआ था कि चाय एक वेट लॉस वाला एयरी फ्री बेवरेज है, तो वेट लॉस के लिए ये बहुत ही अच्छा है। ग्रीन टी या फिर ब्लैक टी के बारे में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मिल्क ऐड कर देंगे तो इसमें न्यूट्रिशनल थोड़ा कम हो जाएंगे, तो कैलोरी फ्री नहीं होगा ऑब्वियसली। मिल्क ऐड कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशन के डिफरेंस आ जाएगा। तो जो पी के बारे में बता रहा था ना, तो थोड़ा पीएच घटाता है मिल्क, वो इतना नहीं उपयोगी साबित हो पाता। कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक टी या फिर ग्रीन टी या फिर हर्बल टी पैसा है तो पीजिएगा, ठीक है। क्या है? दारू। हट कुतरिया साला। अब बात करते हैं कॉफ़ी की। कॉफ़ी पीने के बाद सुनते ही हम लोगों को रेजो वाली थोड़ा थोड़ा फीलिंग आने लगता है कि बहुत पीते हैं लोग कॉफ़ी, लेकिन चाय के मुकाबले कम। कॉफ़ी क्या करता है कि आपकी डिप्रेशन को कम करता है, सुसाइडिंग चांसेस रहते हैं वो उसको घटा देता है। तो जो थोड़ा लोनली फील करते हैं, थोड़ा डिप्रेसिंग रहते हैं, ठीक है, जॉब के खातिर या फिर कुछ भी जॉब की वजह से, तो उन लोगों को कॉफ़ी पीना चाहिए मेरे ख्याल से। और कॉफ़ी पीने पर आपकी जो पेन है वो घट जाता है, यह आपके लीवर के लिए बहुत ही बढ़िया है और आप फाइबर इंटेक वो ये बढ़ा देता है। तो आप लोगों को पता ही होगा डायबिटीज़ दो तरह के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 2 वाला जो डायबिटीज़ है ये इस कॉफ़ी पीने पर उसका चांसेस कम हो जाता है, वो घटाने के लिए मदद करता है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ वाला अगर वो सुन रहे हैं
तो जरूर ट्राई कीजिएगा कॉफी रोजाना। अल्जीमर्स डिजीज और पार्किंसंस डिजीज, अगर आप लोगों ने इस डिजीज के बारे में सुना हुआ है, हालांकि इस वीडियो में मैं आपको वो ये क्या है ये आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं स्क्रीन में उन दोनों का नाम आपको दे दूंगा, थोड़ा गूगल कर दीजिएगा। तो कॉफ़ी पीने पर ये दो टाइप के डिजीजेस घट जाएंगे और हार्ट अटैक का चांस भी घट जाता है कॉफ़ी पीने पर। हाँ, आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि कॉफ़ी में ज़्यादा कैफीन होते हैं मुकाबले चाय के। दारू पीने के फायदे कब बताएगा साले? हट सारे कुतरिया। जो मैं टीथ येलो वाला बात कर रहा था ना पिछले मिनट पहले, तो कॉफ़ी में ये टीथ येलो फॉर्मेशन हो जाता है। कॉफ़ी में ज़्यादा टैनिन नाम के कंपाउंड होता है जो कि टीथ को येलो बनाता है। हाँ, मैं तो ये नहीं कहूँगा कॉफ़ी मत पीजिएगा, थोड़ा बहुत मैंने आपको वो प्लस पॉइंट्स भी बताए हैं। हालांकि सभी चीज़ें का अपना अपना प्लस या माइनस होता रहता है, तो इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं मेरे को ज़रूर बताइएगा। तो मेरे को नीचे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं या फिर ज़्यादा चाय। और थोड़ा बहुत मेंशन ये भी करूँगा, अगर आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर जहाँ पर टी प्रोसेसिंग होते हैं थोड़ा बहुत जाके बारीकी से नज़दीक से देखिएगा। मैं जब पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मुन्ना जब गया था तो वहाँ पर टाटा टी का जो म्यूजियम है, टी कैसे प्रोसेसिंग होता है, कितने टाइम लगता है, कितने डिग्री सेल्सियस पे उसको पकाया जाता है वगैरह वगैरह, और आप लोगों को मैंने वो नहीं बताया था। हाँ, यहाँ पर एड ऑन कर देता हूँ मैं आपको वो बात कि आपको पता है जो चाय का वो जो पौधा होता है वो अमर होते हैं। मुन्नार में जो भी आप लोग टी प्लांटेशन देखेंगे वो ब्रिटिश के टाइम का है, 17th century का है, लेकिन आज भी वो जिंदा हैं। टी जो होते हैं वो मरते नहीं हैं, बढ़ते रहते हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि जो भी नया पत्ता आता है, ग्रीन लीफ आता है, उसको ये काट देते हैं, उसी को वो प्रोसेसिंग करते हैं ग्रीन टी या फिर जो डस्ट बनाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। तो टिल देन।